संवत 1597 अर्थात 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। प्यारे विद्यार्थियों, संवत और सन में 57 साल का अंतर होता है, यानी कि वर्तमान में अगर सन 2023 चल रहा है तो अभी संवत 2080 चल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के प्रतापी राजा नहीं थे, एक महान चरित्रवान भी थे, एक महान बुद्धिमान भी थे और शिक्षा में उनको बहुत कौशल थे, अपने गुरु की आज्ञा मानना और जो स्कूल में जो है उसके अलावा भी वो केवल अपने कार्य पर ध्यान देते थे, हमेशा समय का ध्यान देते थे, समय पर जो आते थे। प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता भाई और पिता महाराणा उदय सिंह। प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप जी जब राजा बने तो वहां पर एक ऐसी प्रथा थी कि जो महाराणा उदय सिंह के प्रथम पुत्र, लेकिन बच्चों परंपरा यह थी कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके दाह संस्कार में उनका प्रथम पुत्र नहीं जाता था, लेकिन सामान्यतः समाज में लोगों को यही पता था कि महाराणा उदय का पहला पुत्र महाराणा प्रताप है, प्रताप है। लेकिन कि जब महाराणा उदय जी का दाह संस्कार हो रहा था तो वहां पर प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप मौजूद थे और लोगों में, जनता में सुकुहार शुरू हुई, है पहला पुत्र तो यही है, तो उनसे कहा कि आप यहां क्यों हैं? जो पहला पुत्र होता है वो राजतिलक की तैयारी करता है और राजतिलक की तैयारी करने के लिए जगमाल तैयार था। प्यारे विद्यार्थियों, जब सारी जनता वहां पर, कई लोगों ने देखा तो महाराणा प्रताप से कहा कि आप यहां क्यों हैं? उन्होंने कहा नहीं, जो राजा नियुक्त करने के लिए वो घर पे, तो सबने वहां पर विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारे इसमें जो मेवाड़ में सबसे ज्यादा युद्ध करने वाले अकबर, उनका लगातार युद्ध हो रहा है और जो हमें अभी सबसे योग्य राजा दिख रहा है वो आप हैं प्रताप। और आपको पता है महाराणा प्रताप को उनके पिता ने नहीं, जनता ने राजा बनाया, उनकी योग्यता का आधार पर। बच्चों,